नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममाल बोन साइन फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में जानेंगे जिनको आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं ब्राइट लाइट में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपडेट करता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, एग्लोनेमा। ये खूबसूरत पौधा है, इसकी रंगीन पत्तियां देखने वाले को आकर्षित करती है। इसकी पत्तियां काफ़ी तरह की होती है, कुछ ग्रीन होती है, कुछ रेड कलर की होती है, और जो रंगीन पत्तियां होती है वो देखने वाले को आकर्षित करती है अपनी तरफ। इसकी बहुत सी किस्में होती है, मुझे सबसे अच्छी इसकी जो रेड पत्ती वाली किस्म है वो अच्छी लगती है। अगर इसकी केयर की बात करें तो इसे इंडोर ब्राइट लाइट में रखें, आउटसाइड फुल सनलाइट में आपका पौधा जो है वो खराब हो सकता है। सॉइल की बात करें तो सॉइल इसे वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, जो हल्का अम्लीय हो, यानी कि हल्का एसिडिक सॉइल हो सकते हैं। पानी की बात करें, सॉइल में हल्की नमी बनाए रखें, गर्मियों में मिस्टिंग करते रहें। इसको ग्रोइंग पीरियड में जो है आप स्लो रिलीज फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इनके बेबी प्लांट को अलग करके प्रोपोगेट किया जा सकता है। इस पौधे के अंदर टॉक्सिन पाए जाते हैं, तो अगर आपके घर पे कोई पालतू जानवर है या छोटे बच्चे हैं तो इस पौधे को उनसे दूरी पर रखें ताकि उनके हाथ वहाँ तक ना जाए। नंबर दो, स्नेक प्लांट। दोस्तों, स्नेक प्लांट बहुत ही लोकप्रिय प्लांट है और सभी को पता भी है इसके बारे में। ये एक ऐसा इंडोर प्लांट है जिसको आप अपने बेडरूम में, बाथरूम में, ऑफिस में, कहीं भी रख सकते हैं। और ये अगर थोड़ा सा डार्क जगह है जहाँ पे ब्राइट लाइट अच्छी नहीं है वहाँ पे भी अगर इसको रखते हैं तो ये वहाँ पे भी अच्छे से सर्वाइव करता है। और ये एक एयर प्योरीफाई प्लांट है, तो ये घर का जो वातावरण है उसको भी शुद्ध करता है। इसकी केयर की बात करें तो इसको तेज हीट वाली धूप से बचाएं, अदरवाइज इसके जो पत्तियां हैं वो ब्राउन होकर खराब होने लगती है। आप इसके सोइल में नमी बना कर रख सकते हैं, सोइल को कंप्लीट ड्राई भी ना होने दें और उसके अंदर पानी को खड़ा भी ना रहने दें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो वेल ड्रेन सोइल है वो रख सकते हैं। वेल ड्रेन सोइल रखेंगे तो आप अगर रेगुलरली वाटरिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसको प्रोपोगेट करने की बात करें तो इसको आप पत्ती से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और इस पौधे के नीचे जो है इसके बेबी प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनको आप डिवाइड करके अलग एज ए न्यू प्लांट लगा सकते हैं। नंबर तीन, स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक खूबसूरत प्लांट है। इसकी खासियत ये है कि ये भी एयर प्यूरीफाई प्लांट है, इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है। हैंगिंग बास्केट में इसकी जो पत्तियां हैं जब इस तरह से नीचे की तरफ लटकती है तो आपका बास्केट काफ़ी अच्छा लगता है। इसको भी प्रोपोगेट करना बहुत इजी है। इसके ऊपर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो है प्लेटलेट्स की तरह ग्रो करते हैं जिनको आप अलग करके एक नए पौधे की तरह लगा सकते हैं। अगर लाइट की बात करें तो इसे इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। पानी से तब दे जब इसका सॉइल थोड़ा ड्राई होने लगे और सॉइल इसका वेल ड्रेन ले। नंबर चार, एलोवेरा। एलोवेरा एक आयुर्वेदिक पौधा है, अगर इसे आप एज ए इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसे खिड़की के पास रखें जहाँ पे इसको धूप मिलती रहे। सॉइल की बात करें तो इसके लिए सैंडी सॉइल बेस्ट रहेगा। इसे प्रोपोगेट करने के लिए इसके बेबी प्लांट्स जो नीचे आते हैं उनको अलग करके न्यू प्लांट की तरह आप उनको लगा सकते हैं। अगर आप इसको एज ए इंडोर प्लांट ग्रो करते हैं तो इसमें पानी कम दें, ज़्यादा पानी देने पर आपका पौधा जो है वो सड़ सकता है। नंबर पाँच, ईवी। ये एक तरह की वाइन है, इसे आप किचन में, बाथरूम में, कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे। ये इजीली आपको सभी नर्सरी में तो नहीं मिलेगी, मेरे यहाँ पे भी ये अवेलेबल नहीं है। आप चाहे तो इसे जो है ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी केयर की बात करें तो इसे थोड़ा ठंडा वातावरण पसंद है, इसे तेज़ हीट वाली गर्मी से ज़रूर बचाएं, अदरवाइज आपका प्लांट जो है वो झुलस सकता है। सॉइल के अंदर थोड़ी सी नमी रखें। आप चाहें तो गर्मियों में इसके आसपास जो है मिस्टिंग कर सकते हैं ताकि इसके आसपास का जो वातावरण है थोड़ा सा ठंडा रहे। नंबर छः, डंप कैन। ये मोस्टली सभी नर्सरी में आपको देखने को मिलेगा। इसके पत्तों पर बना पैटर्न और इसकी पत्ती की जो थिकनेस है इस पौधे को काफ़ी आकर्षक बनाती है। इस पौधे को आप इंडोर ब्राइट लाइट में ग्रो कर सकते हैं। पानी देने से पहले सॉइल को थोड़ा ड्राई होने दें, उसके बाद ही पानी दें। ज़्यादा पानी देने से क्या होगा, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो अगर पानी के अंदर रही तो वो सड़ जाएगी, जिससे कि इसका जो स्टेम है वो भी सड़ना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में एक बार मैं ये पौधा लेकर आया था तभी यही प्रॉब्लम उस पौधे के साथ आई थी। उसके बाद इस टाइम मैंने जो प्लांट लगाया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। सॉइल इसका वेल ड्रेन ही रखें। प्रोपोगेट की बात करें तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो। इसके पत्तों में भी टॉक्सिन होता है, इसलिए बच्चों से और अपने पालतू जानवर से इसको दूर रखें। नंबर सात, अम्ब्रेला प्लांट। सफलेरा प्लांट को आप इंडोर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको हल्की धूप मिलती रहे, यानी कि इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे।
जैसे आप किसी खिड़की के पास इसको रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। इसकी दो वैरायटी मेरे पास है, जिसमें एक ऐसी है जिसके पत्ते ग्रीन होते हैं और एक वेरिएटेड है जिसमें इसके पत्ते जो थोड़े से पीले पीले से ग्रीन मिक्स होते हैं। सफलेरा का बोनसाई भी बनाया जा सकता है। इसकी केयर की बात करें तो इसको भी ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे सोइल में नमी हो और आसपास का जो वातावरण है वो तेज़ हीट वाला ना हो। अगर आप इसको गार्डन में लगाना चाहते हैं तो किसी पेड़ के नीचे लगा दीजिए या फिर इसको इंडोर रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट हो। नंबर 8, सिंगोनियम। इसे एरो हेड के नाम से भी जाना जाता है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है क्योंकि ये पौधा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। इसको प्रोपोगेट करना आसान है, इसको ग्रो करना आसान है और इसकी देखभाल करना भी बहुत आसान है। इसकी भी बहुत सी किस्में होती है लेकिन बेसिकली आपको हर नर्सरी में जो ग्रीन वाला है वो मिलेगा। एक इसकी पिंक लीफ वाला जो प्लांट आता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। मेरे पास इसकी दोनों वैरायटी है फिलहाल। इसका सोइल में एक ऐसा बनाया जिसके अंदर हल्की नमी जरूर बनी रहे, जैसे कि आप इसके अंदर कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, सैंड यूज़ कर सकते हैं ताकि सोइल वेल ड्रेन भी रहे और नमी भी बनी रहे। इसे इंडोर ब्राइट लाइट में रखें, सोइल वेल ड्रेन हो। इसको प्रोपोगेट करने की बात करें तो इसकी कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं, इसकी कटिंग आप पानी में भी लगा सकते हैं और या इसके बेबी प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं तो उनको भी डिवाइड करके आप नए प्लांट बना सकते हैं। नंबर 9, मनी प्लांट। ये एक ऐसा प्लांट है जो मोस्टली सभी गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। इसकी भी बहुत सी किस्में आती है। इसको आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, इसको आप ट्रेलिंग की तरह चढ़ा भी सकते हैं किसी दीवार पर। इनके अलग अलग किस्मों में अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं जिनके कलर भी अलग हो सकते हैं, साइज भी अलग हो सकते हैं। इसे कटिंग से लगाना आसान है और इसकी कटिंग को आप सोइल में और वाटर में दोनों जगह लगा सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मनी प्लांट को हम सोइल में कैसे लगाएं और पानी में कैसे लगाएं, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इसे इंडोर ब्राइट लाइट में रखें, अगर आप इसको तेज धूप में लेके जाएंगे तो आपका पौधे के पत्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। सोइल में हल्की नमी जरूर बनाए रखें और इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ का वातावरण थोड़ा सा ठंडा हो, यानी कि गर्मियों में इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे थोड़ा सा जो वातावरण है ठंडा सा हो। नंबर 10, अरेकिया पाम। लास्ट टाइम जब मैं नर्सरी गया तब वहाँ से मैं एक अरेकिया पाम लेके आया था। ये पौधा भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और इंडोर प्लांट की जगह पर इनको मोस्टली सभी लोग लगाते हैं और एज ए इंडोर प्लांट इसे सभी लगाना पसंद करते हैं। आप चाहे तो इसे गार्डन में भी लगा सकते हैं जहाँ हल्की छाया रहती हो। ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें जो है वो ख़राब हो जाती है और प्लांट आपका मर सकते हैं, इसलिए पानी देने से पहले सोइल को चेक कर लें। नंबर 11, एरोकेरिया। एरोकेरिया को क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्रिसमस पर इस पौधे को सजाया जाता है। इस पौधे को आप इंडोर ब्राइट लाइट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो जमीन में अगर लगाते हैं तो इसको गार्डन में भी लगा सकते हैं। तेज धूप से इस पौधे के जो पत्ते हैं वो थोड़े खराब हो सकते हैं, इसलिए अगर गार्डन में लगाएं तो जब जगह लगाएं तो थोड़ी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे हल्की छाया रहती हो या सिर्फ दोपहर से पहले की धूप आती हो। सोइल इसका वेल ड्रेन ही लें। चिकनी मिट्टी के अंदर अगर आपने ये प्लांट लगाया है तो गर्मियों में ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नंबर 12, फाइकस। फाइकस के प्लांट्स एवरग्रीन होते हैं और इनके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं। इन पौधों को आप आउटडोर और इंडोर दोनों जगह पे ग्रो कर सकते हैं। इनकी केयर बहुत कम करनी होती है और इनको आप वेल ड्रेन सोइल में लगा सकते हैं। वैसे तो आप इसको कैसे भी सोइल में लगा सकते हैं लेकिन वेल ड्रेन सोइल जो है वो सबसे बेस्ट रहता है ताकि इनकी जो रूट्स है वो जल्दी जल्दी ग्रो करें। फाइकस एक ऐसा पौधा है जो कम पानी के साथ भी सर्वाइव कर सकता है और ज़्यादा पानी में भी सर्वाइव कर लेता है, यानी कि अगर आप बिगिनर हैं तो इस पौधे के साथ ज़रूर जाइए, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। बोनसाई के लिए ये काफ़ी सूटेबल प्लांट है। फाइकस की वैसे तो बहुत सी वैरायटी आती है लेकिन व्हिपिंग फिग जो है वो इंडोर प्लांट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है और बोनसाई के लिए फाइकस माइक्रोकार्पा यानी कि जो फाइकस टाइगर बार्क है वो बेस्ट है क्योंकि वो पौधा एक ऐसा है अगर आप बोनसाई बनाते हैं तो वो पौधा जल्दी से मरता नहीं है। व्हिपिंग फिग आपको नर्सरी में इजीली मिल जाएगा लेकिन जो फाइकस टाइगर बार्क है ये इजीली नहीं मिलता है, तो आप इसको चाहे तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन आपको नॉर्मल प्लांट भी मिल जाएगा और अगर आप बोनसाई खरीदना चाहें तो इसका बोनसाई भी आई थिंक 1,000-1,200 रुपये में इसका जो बोनसाई है वो मिल जाता है। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप चेक कर सकते हैं। नंबर 13, क्रोटोन। अगर आपको घर में रंग बिरंगे पौधे लगाने हैं तो क्रोटोन एक बेस्ट ऑप्शन है। क्रोटोन के पत्ते रंग बिरंगे व अलग अलग तरह के डिजाइन के आते हैं तो इससे क्या है आपके घर में एक अलग ही रौनक आ जाएगी। इनको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे की प्रॉब्लम ये है कि गर्मियों में जाकर ये पौधे ख़राब होने लगते हैं क्योंकि
मोस्टली प्रॉब्लम इसके सॉइल की वजह से आती है। नर्सरी में जो सॉइल होता है वो चिकनी मिट्टी वाला होता है, और गर्मियों में क्या होता है, हम जो पानी देते हैं वो साइडों में हमारे सॉइल से होकर नीचे निकल जाता है, लेकिन चिकनी मिट्टी को पानी सोखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम उसको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इसके रूट्स तक पानी नहीं जा पाता और धीरे धीरे गर्मियों में ये पौधा मर जाता है। तो इसलिए इसको तेज़ गर्मी से बचाएं, सॉइल इसका वेल ड्रेन होगा तो अच्छा रहेगा, चिकनी मिट्टी वाले सॉइल में इसको ना लगाएं। नंबर 14 एक्सोरा। एक्सोरा भी एक फूल वाला लोकप्रिय पौधा है। एक्सोरा को भी आप इंडोर ब्राइट लाइट में लगा सकते हैं, इसे गर्मी की तेज धूप से जरूर बचाएं, अदरवाइज आपका पौधा खराब होने लगेगा। ज्यादातर आप नर्सरी में जो पौधे देखते हैं उस पर इसके गुलाबी या रेड कलर के जो फूल है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी एक वैरायटी ऐसी भी आती है जिसमें पीले रंग के फूल होते हैं, लेकिन वो जल्दी से मिलते नहीं है सभी जगह पे। इस पौधे को भी पानी तब दें जब सॉइल इसका थोड़ा ड्राई हो चुका हो, ज्यादा पानी देंगे तो आपका पौधा खराब हो सकता है। इसको आप गार्डन में भी लगा सकते हैं, गार्डन की बाउंड्री में इसको लगा सकते हैं, या बीच में भी कहीं भी आपको अच्छा लगे वहां पे इसको लगा सकते हैं जमीन में, ये वहां पे भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। नंबर 15 कैलेथिया। कैलेथिया भी एक इंडोर प्लांट है, इसकी भी बहुत सी किस्में होती है और इसके पत्तों का डिजाइन और उनका रंग बहुत खूबसूरत होता है। ये पौधा आपके घर के लिए ऑफिस के लिए बेस्ट है। इसकी केयर की बात करें तो इसे तेज धूप से जरूर बचाएं, और इसका जब सॉइल मिक्स आप तैयार करें तो उसमें कोकोपीट मिला लें ताकि सॉइल के अंदर जो है नमी बनी रहे। इसको भी इसके बेबी प्लांट से प्रोपोगेट किया जा सकता है, उनको आप अलग कर लीजिए और उनसे आप प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं भी एक पौधा लेके आया था कैलेथिया का जो मेरे पास रखा है, मैंने उसको क्या है अपने गार्डन एरिया में रखा हुआ है, गार्डन एरिया में जहाँ पे पानी की नमी रहती है मैंने उसको वहाँ पे रख दिया है ताकि वो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता रहे। तो दोस्तों ये कुछ इंडोर प्लांट्स थे जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं, और इनमें से आपका सबसे फेवरेट प्लांट कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपने प्लांटों की फोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।